ग्वालियर के जहां पर टेम्पो चलाने के लिए तय किए गए रूट पर ई रिक्शा संचालन को बंद करने की मांग को लेकर टेम्पो चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर हड़ताल का ऐलान करते हुए टेम्पो चालक धरने पर बैठ गए हैं। टेम्पो चालकों की हड़ताल के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों के द्वारा हड़ताल की गई है, जिसमें उनके द्वारा विभिन्न मांगे की थी माननीय मुख्यमंत्री से और मध्य प्रदेश शासन से, और ये 4 तारीख से व्यापारी हड़ताल पे गए थे, और जिसमें उनकी मांगों के संबंध में शासन द्वारा लगातार बात भी की जा रही है। प्रबंध संचालक महोदय ने भी लगातार बात किया है, और कुछ व्यापारियों में सहमति बनी, कुछ व्यापारियों में असहमति बनी। और वर्तमान में अगर ग्वालियर संभाग में देखें तो 45 मंडी से लगभग 25 मंडियां वर्किंग लगातार ही करती आई हैं, और अब हम लोगों ने बात किया कल, जैसे डबरा व्यापारियों से बात किया, दतिया से बात किया, अशोकनगर, गुना, ये बड़ी बड़ी मंडियों में से। तो हमारी डबरा मंडी आज से चालू हो गई है, बाकी अन्य मंडियों के संबंध में व्यापारियों ने आश्वासन दिया है कि किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए और वो शीघ्र से ही शीघ्र